जमशेदपुर पोटका। वैशाख महीना की बढ़ती धूप में पोटका प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। पोटका प्रखंड अंतर्गत जुड़ी पंचायत के सामर साई गांव में जहां पीएचडी विभाग से दो जल मीनार, 14वां वित्त आयोग से दो जल मीनार का निर्माण इसलिए किया गया था कि गांव में बसे सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन ग्रामीणों का दुर्भाग्य है कि चारों जल मीनार पिछले एक साल से खराब पड़े हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीण लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। खासकर गांव की महिलाएं डेगची बाल्टी लेकर गांव में रैली निकालकर प्रदर्शन एवं साथ में विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीण महिलाओं का कहना है सुबह से ही पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। गांव में दो चापाकल है। इस गांव में करीब 1200 की आबादी है, जो कि गांव के लोगों को पेयजल के लिए इस दो चापा नल पर ही निर्भर करना पड़ रहा है। ज्यादा गर्मी गिरने के कारण गांव में पेयजल की समस्या बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है जल मीनारों को बनाकर पेयजल की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए ताकि पेयजल के लिए लोगों को असुविधा न हो। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। हो रहा है पानी के लिए, हम लोग का बनाना चाहिए। कितना जल मीनार है आप लोग का? चार मीनार। लिखित शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत किया था। अब तक नहीं बना? अब तक नहीं बनाया है। पानी क्या होती है दूसरा का? टंकी के सब भांगी छे, चार टंकी चार टंकी भांगी छे, बांधो जल नहीं। सिनियाबाद तो दूर कथा, खबर जल नहीं, लोकर बोरिंग आछे, लोकर बोरिंग जल खाछिन ना दिले एखन आमरा की करथिन, छाना पोना के की करे खावातिन ना निजे की करे खातिन। लेखा पढ़ी करी छिले? हम लोग के गांव में एक साल हो गया खराब हुआ है और दूसरों के बोरिंग में पानी पी रहे हैं और अभी नहीं देने से हम लोग क्या करेंगे? तालाब भी नहीं है, तालाब में भी पानी नहीं है, हम लोग का बहुत दिक्कत है। हम लोग का चापाकल होना जरूरी है, हम लोग का बोरिंग बनाना जरूरी है, तालाब भी हम मीनार का रिपेयरिंग होना चाहिए।